सिंप्लिसिटी, क्लीन लाइंस, कंफर्टेबल, अनक्लटर्ड, ओपन स्पेसेस एंड लॉट्स ऑफ लाइट। मैं बात कर रही हूँ किसकी, मिनिमलिस्ट इंटीरियर डिज़ाइन की। मेरे लास्ट वीडियो बेडरूम स्पेशल में मैंने कहा था कि आपको अपने डेकोर्स को या बेडरूम को करना चाहिए मिनिमलिस्ट इंटीरियर डिज़ाइन के हिसाब से। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी डिज़ाइन स्टाइल की। ओके, तो शुरू करें डीकोडिंग द इंटीरियर्स विद मी भारती। मिनिमलिस्ट इंटीरियर डिज़ाइन जो है वो इंस्पायर्ड है जेन फिलॉसफी से, जापान की जेन बुद्धिस्ट फिलॉसफी, जो सिंपलिसिटी में विश्वास करती है ऑफ कोर्स। और ये शुरू हुआ था 1980s में इन न्यूयॉर्क एंड लंदन में। अब किसने शुरू किया अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है फिलॉसफी शुरू हुई लेस इज़ मोर। जी, मैं अपने वीडियोस में भी बोलती रहती हूँ कि लेस इज़ मोर। मेरा एक स्मॉल स्पेसेस वाला था कि स्मॉल स्पेसेस एंड मोर स्पेसेस, उसमें मैंने कहा था कि यस लेस इज़ मोर। तो ये जो मिनिमलिस्ट इंटीरियर डिज़ाइन है, मिनिमलिज्म, ये भी इसी थ्योरी और बेस पर चलता है कि लेस इज़ मोर। ओके, इसके हिसाब से इसके कुछ प्रिंसिपल्स बने जिसके हिसाब से हम ये डेकोर करते हैं। उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहला प्रिंसिपल है कलर्स का। हम कलर्स यूज़ करते हैं न्यूट्रल्स, न्यूट्रल्स सबके साथ बहुत अच्छे से जेल कर जाते हैं। यस, एंड प्लस इसके अलावा, न्यूट्रल्स के अलावा है इसमें मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम। मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम कौन सी होती है, जो एक बेसिक कलर होता है उसी के हम डिफरेंट डिफरेंट शेड्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम। तो मिनिमलिस्ट में हम यूज़ करते हैं मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम एंड दैट टू न्यूट्रल्स में। ओके, नंबर टू में हम आते हैं, हम क्या मटेरियल यूज़ करते हैं। हम मिनिमलिस्ट में यूज़ करते हैं नेचुरल मटेरियल्स, नेचुरल मटेरियल्स लाइक वुड, ग्लास, स्टोन्स, जूट, कैनवास। जी, फर्नीचर बना रहे हैं तो हमारे वुड के फर्नीचर होंगे। डेकोर्स में हम पॉटरी ऐसा कुछ नेचुरल क्ले के मटेरियल यूज़ करेंगे। रग्स वगैरह में हम जूट का यूज़ करेंगे, तो वी गो विद द नेचुरल मटेरियल। तीन पर हम आते हैं, वो है हमारा ओपन स्पेसेस। जी, ओपन स्पेसेस होनी चाहिए जिसके लिए हमें डोर भी जो खोलते हैं वो खोलते नहीं हैं, वो उसको स्लाइडिंग बनाते हैं ताकि वो जो खोलने का एरिया है डोर का, दैट टू कैन बी सेड एंड दैट विल बी ओपन स्पेसेस एंड यू स्लाइड द डोर एंड गो इनसाइड। ओके, तो ओपन स्पेसेस हम ऐसे विजुअली दिखाते हैं। आपके फंक्शंस, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उस हिसाब से आपका डेकोर होता है, और उतनी उसी हिसाब से अगर डेकोर होगा तो डेफिनेटली आपकी जो ओपन स्पेसेस हैं वो बढ़ जाएंगी और ओपननेस की फीलिंग भी आएगी। नंबर फोर पे आते हैं हम लाइट पर। बहुत खूबसूरत नेचुरल लाइट हो तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज लाइट फिक्स्चर्स। ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता डेकोर स्टाइल है, इसमें आप अच्छे और स्टाइलिश बना सकते हैं, अच्छे डेकोरेटिव स्टाइलिश शैंडेलियर्स और लाइट पॉइंट्स लगा के, क्योंकि इसमें खूब सारी लाइट का प्रोविजन होना चाहिए, क्योंकि हमारी स्ट्रेट लाइंस होती हैं, सिंप्लीफाइड होता है, इसलिए अगर लाइट होगी तो वो ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। ओके, मैं अपने साथ साथ जब मैं बोल रही हूँ साथ साथ मैं अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ कुछ शेयर भी कर रही हूँ, उसमें आप ध्यान दीजिएगा। उसमें लाइट फिक्स्चर्स और लाइट का बहुत अच्छे से ध्यान दिया हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत खूबसूरत भी दिख रहे हैं। यस, तो नेचुरल लाइट हो तो बहुत ही बढ़िया, अदरवाइज यूज़ लाइट्स, गुड स्मार्ट लाइट फिक्स्चर्स टू गिव इट मोर स्पेशियस लुक एंड ब्राइट। नंबर फाइव में हम आते हैं डी क्लटर। ये तो मैंने पहले भी ये पॉइंट कवर किया हुआ है, कौन सा मेरा वीडियो था, आई थिंक ऑर्गेनाइज्ड वाला था। यस, ऑर्गेनाइज्ड योर होम्स, या उसमें मैंने बताया था कि अपने घरों को डी क्लटर कीजिए। सामान सबसे पहले तो जो आप कर सकते हैं वो है कि अपना सामान किसी को कम बाई को दे दो, किसी को गिफ्ट कर दो। जरूरी बहुत सारा सामान होता है हमारे पास, लेट मी टेल यू, जो हमें लगता है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, एंड दैट इज़ यूजलेस फॉर श्योर। हाँ, ओके, आप डिक्लटर कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं फेंकना चाहते हैं तो ये मैंने उस वीडियो में बताया था कि उनको सबको शटर के अंदर बंद कीजिए, ताकि आपकी जो लाइन्स हैं, जो एरिया है, क्लीन लाइन नज़र आए, एरिया साफ सुथरा नज़र आए। ओके, तो शटर के अंदर बंद कीजिए, नहीं तो किसी को गिफ्ट कर दीजिए, सिंपल एज दैट, एंड डिक्लटर इज डन। ओके, नंबर सिक्स पे हम आएंगे मिनिमलिस्ट में, फर्नीचर में।
फर्नीचर उतना लगाया जाए मेरा आप सब कहेंगे कि ये ना आपने वीडियोस की पब्लिसिटी कर ली है, लेकिन नहीं, ये सब जितना मिनिमलिस्ट है ना, ये मैंने, मुझे लगता है हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा सब बताया हुआ है मेरा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फर्नीचर का, जो मैंने ड्राइंग रूम में बताया था कि फर्नीचर उतना लगाएं जितना ज़रूरी है। ज़रूरी कि आपके घर में अगर 5 गेस्ट एक टाइम पर आ रहे हैं तो आप 10 की प्रोविजन करके 10 सोफ़ा सेट्स क्यों लगा रहे हैं ना। कीप देम 5 ओनली, एक कुर्सी रख दो, दो टेबल रख दो, एक चेयर रख दो, एक सोफ़ा रख दो, 2 सीटर रख दो ना। अपने घर को भरना नहीं है, ओके, थोड़ा ओपन स्पेसेस देना है और मिनिमल लगाना है। प्लस मिनिमलिस्ट में ये भी है कि आप लो सीटिंग रखेंगे और आप मल्टीपर्पज़ फर्नीचर भी रख सकते हैं, जैसे कि लिविंग रूम में सोफ़ा कम बेड टाइप्स रख दिया ताकि आप एक, या फिर काउच रख दिया ताकि आप उसमें लेट भी सकते हैं, रात को बेडिंग की तरह भी काम आ सकता है अगर कोई गेस्ट आ जाए तो। इट्स यूटिलिटी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ ईच फर्नीचर आइटम, ओके, जो भी आप लगा रहे हैं एक एक पीस वो यूटिलाइज्ड हो और उसकी फंक्शनैलिटी हो, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट आप कुछ भी लाके लगा नहीं देंगे क्योंकि वो अच्छा लग रहा है, ओके। तो मिनिमलिस्ट कहता है कि जो आपकी डिस्ट्रैक्शन है, कि जो आपको अच्छा लग रहा है बाहर मार्केट में और लाके आप रख देते हैं, उनसे दूर हटिए और जो फोकस है वो अपने पे लगाइए और अपनी रिक्वायरमेंट्स पे लगाइए, अपने फंक्शनैलिटी पे लगाइए, ओके, और अपने एरिया को, अपने स्पेसेस को ब्रीदिंग स्पेस दीजिए, ओपन स्पेस दीजिए, लाइट दीजिए, ओके, ताकि ना सिर्फ वो खुला और ओपन स्पेस दिखाए प्लस फंक्शनैलिटी भी होगा उस एरिया में। मेरा पार्ट वन है, ओके, ये पार्ट वन है। इसमें मैंने आपको बताया कि मिनिमलिस्ट के क्या प्रिंसिपल्स हैं, कहाँ से शुरू हुआ और कैसे हुआ, लेकिन मैंने बताया ना ये जो चैलेंज है मिनिमलिस्ट का, कई बार ऐसा होता है कि ये बोरिंग और डेड नज़र आने लगता है क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइंस है, बहुत कम फर्नीचर है और यू नो कोल्ड सा लुक देता है। जो फोटोज़ हैं बहुत अच्छी हैं, लेट मी टेल यू, जो मैंने आपको दी हैं, लेकिन उसमें मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया जितनी फोटोग्राफ्स होते हैं वो प्रोफेशनल खींचते हैं और फोटोग्राफी और लाइट का बहुत फ़र्क पड़ता है कि किसने फ़ोटो खींची है, कैसी लाइट्स हैं। तो जब, लेकिन वो जब घरों में आता है तो स्लीक लाइन्स और कई बार वो डेड लुक देता है। तो उसे कैसे ओवरकम किया जाए मिनिमलिस्ट में, ये मैं कवर करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ, तब तक आप मेरे बाकी वीडियोस भी देखते रहिए, ओके, जो पुराने वीडियोस हैं रेंटल्स भी चेक कर सकते हैं, मेरे पुराने वीडियोस देखिए, आप देखेंगे जितने मैंने प्रिंसिपल्स आपको बताए हैं ये मैंने कवर किए हुए हैं अपने सारे पुराने वीडियोस में, चाहे वो स्मॉल स्पेसेस है या ऑर्गेनाइज्ड है या रेंटल्स है, ओके। तो क्या करेंगे, मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे, ये तो देख ही रहे आप, ओके। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब तो आप कर चुके होंगे, लाइक भी कीजिए, कोई अच्छा कमेंट भी डेफिनेटली दीजिए कि मिनिमलिस्ट के आप बारे में आप क्या जाने और क्या आपको अच्छा लगा और आप क्या और जानना चाहते हैं उसके अलावा जो मैं आपको अगली बार बताने वाली हूँ, ओके। और थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियोस देखने के लिए और उनको कमेंट करने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। खुश रहिए, अपने घर को सजाते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नमस्कार।